आवाज आ रहा है? आ रहा है ना? अब अभी भी नहीं आवाज, मैक्सिमम पे ये। देखो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब सबसे बड़ा चीज है कि मौर्य डायनेस्टी जो मगध का दी फेमस डायनेस्टी है, ठीक, तो सबसे ज्यादा सोर्सेस हमको इस डायनेस्टी के बारे में ही मिला है, ठीक। इसको ना एक एलमा मैटर माना जाता था, ठीक है, एक बोलते हैं ना स्टेपिंग स्टोन। तो अगर किसी भी डायनेस्टी को कंपेयर करना है तो किससे कंपेयर किया जाता था? मौर्य डायनेस्टी से, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी किस महाजनपद से बिलोंग करता था? मगध। मौर्य डायनेस्टी किस महाजनपद से बिलोंग करता था? मगध। अब इसका ना दो तरह का सोर्स था, तुम लोगों को पहले बताया ना, सोर्सेस दो तरह का होता है। आर्कियोलॉजिकल और दूसरा लिटरेरी, ठीक है। अभी दोनों पे आएंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मौर्य के टाइम के लिटरेरी सोर्स के बारे में। एक चीज जान लेना, जितना भी लिटरेरी सोर्स मिला है, अधिकतर लिटरेरी सोर्स किस लैंग्वेज में है? प्रकृत। थोड़ा बहुत पाली में भी है, पर अधिकतर किस में है? प्रकृत। प्रकृत का दो स्क्रिप्ट था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्ठी स्क्रिप्ट, दो स्क्रिप्ट, ठीक है, याद रखोगे, ठीक। तो कौन से लैंग्वेज में मिला है लिटरेरी सोर्सेस? प्रकृत। किस लैंग्वेज में? प्रकृत। थोड़ा बहुत संस्कृत में भी है, लेकिन संस्कृत वाला जनरली पुरानिक है। देखो, अब हम लोग तीन मेन सोर्स को जानेंगे लिटरेरी में। एक है बेटा अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, ये तो बताए हुए थे कल, ये बता दिए थे ना, इंडिका उंडिका, क्या फिर से बताया कि आगे बढ़ जाए? है? फिर से समझा दे, चलो कोई बात नहीं। देखो, मेघास, अकाउंट ऑफ मेघास्थनीज जिसका नाम था इंडिका। नेक्स्ट था अर्थशास्त्र जो कौटिल्य कंपोज किए थे। फिर लास्ट में था तुम्हारा बुद्धिस्ट जैनिज टेक्स्ट, ठीक है, और फिर बेटा पुरानिक लिटरेचर, पुराण जिसको बोलते हैं, जो कि संस्कृत में था, बोले ना कुछ वर्ड संस्कृत में था, ठीक। और उसके बाद आर्कोलॉजिकल सोर्स पे आओगे तो आर्कोलॉजिकल सोर्स पे अशोक का रॉक एडिक्ट्स और पिलर्स, ये दिखा देते हैं हम तुमको रॉक एडिक्ट और पिलर क्या होता है। तो दो तरह का सोर्स था बेटा, आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में मेन था अकाउंट ऑफ मेगास्थनीस, अर्थशास्त्र कौटिल्य का, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट और पुरानिक लिटरेचर, ये चार मेन सोर्स था, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर है, अच्छा से आगे बढ़ जाए। धम्म वाला बताया था ना, धम्म मीन्स, चलो, धम्म जो है ये अगेन एक प्रकृत वर्ड है, ये पाली वर्ड है, सॉरी, इसका मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है। धम्म का आज जो सबसे नियरेस्ट ट्रांसलेशन होगा वो होगा धर्म, वो क्या होगा बेटा? धर्म, ठीक है। धम्म का जो नियरेस्ट ट्रांसलेशन होगा वो होगा धर्म, ठीक है। तो एक ऑफिसर अपॉइंट होता था जिसको बोलते थे धम्म महात्मा। धम्म महात्मा का मेन काम था यही देखना कि जो धम्म, जो रूल्स रेगुलेशंस जो अशोक प्रिस्क्राइब कर रहा है वो फॉलो हो रहा है या अशोक का इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर,
देखा ध्यान से क्या था अशोक के टाइम में, अशोक के टाइम के पहले भी तुम बोल सकते हो, यहाँ तक कि मौर्यन पीरियड के स्टार्टिंग में, ठीक है, जितना भी प्रोविंस था जब चंद्रगुप्त मौर्य जब एम्पायर बनाया, जो भी प्रोविंस था अब उन्होंने अपने जीते हुए एम्पायर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, छोटे छोटे स्टेट ने बांटा जिसको प्रोविंस बोला गया। तो प्रोविंस था तो हर प्रोविंस का अपना अपना कैपिटल था, ठीक है, जैसे सेंट्रल कैपिटल था पाटलिपुत्रा, फिर एक तक्षशिला था, उज्जैनी था, तोसाली था, स्वर्णगिरी था। स्वर्णगिरी जनरली माना जाता है कि कर्नाटका में था, ठीक है, स्वर्णगिरी क्योंकि स्वर्णगिरी है ना, स्वर्णगिरी का लिटरल मीनिंग होता है माउंटेन ऑफ गोल्ड, स्वर्णगिरी, गिरी मतलब होता है पर्वत, माउंटेन, गिरी वर्ड का मतलब पर्वत, माउंटेन, स्वर्ण मतलब गोल्ड, तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन क्या हुआ, माउंटेन ऑफ गोल्ड। माना जाता है कि ये सदर्न इंडिया कर्नाटका को ये किया था, डिनोट करता था। कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है? और बहुत सारा मैसेज हम लोग को इनग्रेव्ड किया, अच्छा इनग्रेव्ड मतलब पत्थर में ऐसे इनग्रेव किया, हथौड़ा छानी से ऐसे इनग्रेव किया हुआ मैसेज, हाँ लिखा हुआ मैसेज हम लोग को बहुत सारे पाकिस्तान के प्रोविंस में मिला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में मिला है, उड़ीसा और उत्तराखंड में मिला है, ठीक है। इससे ये हो सकता है कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कह पाना कन्फर्म नहीं है कि एक सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा नहीं रहा होगा, लेकिन जनरली हिस्टोरियन मानते हैं कि नहीं रहा होगा। क्यों नहीं रहा होगा बेटा, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्यों नहीं पॉसिबल था? तुम लोग याद करो बेटा, अशोका एम्पायर देखे थे ना कितना वास्ट था, मौर्यन एम्पायर कितना वास्ट था, कितना बड़ा एरिया कवर करता था, और हर एरिया अपने आप में डिफर कर रहा था ना। तो क्या तुम बोल सकते हो कि अफगानिस्तान का कोल्ड, सॉरी अफगानिस्तान का जो ड्राई एरिया है वो उड़ीसा के वेट एरिया जैसा सिमिलर होगा? नहीं ना, माउंटेनियस ड्राई एरिया जो है अफगानिस्तान का वो उड़ीसा जितना सिमिलर नहीं ना होगा। तो उड़ीसा में जो रूल्स रेगुलेशंस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, जो लॉ लाया गया होगा, वही सेम लॉ क्या अफगानिस्तान में भी चलेगा? नहीं, अफगानिस्तान में वहां के क्लाइमेट, वहां के पीपल के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ लाना चाहिए, है ना। इसीलिए माना जाता है कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं रहा होगा, अनलाइकली, ठीक है, इसको ध्यान देना। इट इज लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरियाज अराउंड द कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखोगे। देखो इसको ध्यान से देखना, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब, वो कंट्रोल ज्यादा था, इसलिए ज्यादा था बेटा क्योंकि वहां पर एक ब्यूरोक्रेसी था, वहां पर कुछ लोग थे जिनको उसको संभालने के लिए दिया गया था, गवर्नर अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो मोस्ट पॉसिबली सिटीज के आसपास, कैपिटल के आसपास ज्यादा कंट्रोल था, और जितना ज्यादा दूर जाओगे कंट्रोल उतना ही स्लिप होगा, क्लियर है? अगेन ये एक माना जाता है ऐसा, इसका कोई हमारे पास स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है, ठीक है। और इसका जो सेंटर चुना जाता था ना, वो सेंटर बहुत ही केयरफुली चुना जाता था, ताकि वो या तो ट्रेड रूट के बीच में हो, या ऐसे सेंटर पे वो अपॉइंटेड हो जहां से बाकी एरिया को कंट्रोल किया सके। जैसे राजगीर को जब चुना गया था कैपिटल के रूप में, तो राजगीर एक उसमें नेचुरल डिफेंस है, नेचुरल डिफेंस मतलब हिली एरियाज, माउंटेन से घिरा हुआ है, तो अट्रैकिंग आर्मी आएगा तो वो नेचुरली एक डिफेंडेंट रहेगा, उसको क्रॉस करके ही लाना पड़ेगा। लेकिन पाटलिपुत्र को जब चुना गया, तो उसको चुने जाने के पीछे कारण था कि वो गंगा के ट्रेड रूट पे है, उससे ट्रेड एंड कॉमर्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर है? ये मेघास्थनीस के अकाउंट का एक एक्सर्प्ट है, एक्सर्प्ट मतलब छोटा सा पार्ट है, उसमें ना इसके बारे में बताया गया है। आ जाओ अब दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग जानते हैं, आर्मी वाला, ठीक ना। इस समय ना ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है,
और ट्रेड बोथ लैंड से होता था और रिवरीन मतलब रिवर से होता था, ठीक है। और ट्रेड करने के लिए कभी कभी वीक्स नहीं तो मंथ तक का भी समय लगता था। अब इसके लिए बेटा जो लोग भी मूव कर रहे हैं, यानी अगर इतना समय लग रहा है तो इसका मतलब जो लोग भी ट्रेड के लिए व्यापार के लिए मूव कर रहे हैं उनके लिए प्रोविजन यानी खाना और प्रोटेक्शन यानी सेना का व्यवस्था करना होगा। इसके लिए आर्मी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया। अब आर्मी को मेंटेन करने के लिए 6 कमेटी बना, कितना कमेटी? 6 कमेटी, या कह लो एक कमेटी और 6 सब कमेटीज, ठीक है। अभी समझना ध्यान से, पहला जो था ठीक है वो नेवी को देखता था, फर्स्ट वाज नेवी। सेकंड जो था वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन मैनेज करता था, यानी खाना उना और ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ये। तीसरा फूड सोल्जर था, ठीक है, पहला नेवी, दूसरा ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन, तीसरा फूड सोल्जर, चौथा हॉर्स जिसको कैवलरी भी बोलते हैं, और पांचवा जो है वो चैरियट, चैरियट मतलब घुड़सवार, सॉरी रथ, चैरियट मतलब रथ, और सिक्स था एलिफेंट्स, वॉर एलिफेंट। तो टोटल कितना सब कमिटी था? 6। बेटा बताओ तो कौन कौन सा सब कमिटी था, किस किस के लिए था? हम बोर्ड पे मार्क भी किए हुए, इसको जूम कर दें। पहला नेवी के लिए, दूसरा ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन के लिए, वेरी गुड, तीसरा फूड सोल्जर्स के लिए, चौथा हॉर्स यानी कैवलरी घुड़सवार के लिए, चैरियट, चैरियट मतलब रथ, ठीक है, और छठा वॉर एलिफेंट्स, ठीक है। एक कमेटी आर्मी का 6 सब कमेटी था, क्लियर है, ठीक। और जो सेकेंड सब कमेटी था, ये जो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन देखता था, इन लोगों का काम बहुत सारा था, बुलॉक कार्ट का इंतजाम करना, ठीक है, इक्विपमेंट कैरी करने के लिए, फूड को जमा करना सोल्जर्स के लिए, एनिमल्स के लिए चारा जमा करना, सर्वेंट को रिक्रूट करना, आर्टिशंस को रिक्रूट करना सोल्जर्स के लिए। उस समय के जो सैनिक थे ना, जनरली बेटा अब तुम एक बार बताओ, सिंपल सा बात है, तुम अपना सेना को कहीं लेकर के जा रहे हो लड़ाई लड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुमको क्या देखना है कि सेना को कम से कम खाना मिले, अच्छा क्वालिटी का हथियार मिले। अब सेना को मान लो खराब खाना, तुम एग्जांपल तौर पर ले रहे हैं कि सेना को तुम खराब खाना दे दिया, जमाल घोटा वाला कुछ मतलब ऐसा कुछ, अब सेना का पेट खराब हो गया। लड़ाई से पहले ही सेना जो है वो लैट्रिन कर करके पागल है, अब वो सेना लड़ पाएगा? कभी भी लड़ पाएगा? लड़ने के लिए जाएगा सब उसको खेत समझ के बैठ जाएगा, ठीक है, लड़ाई नहीं हो पाएगा। तो उसका फूड प्रोविजंस, एनिमल जो साथ में जाता है जैसे हाथी घोड़ा, इन सब के लिए फॉडर चारा, ठीक है, इन लोग के देखभाल के लिए सर्वेंट है ना, जरूरत पड़ने पे आर्टिशंस, इन सब का देखभाल, इन सब का इंतजाम करने का जिम्मेदारी कौन से कमेटी का था? सेकंड कमेटी। कौन से कमेटी का था? सेकंड कमेटी, क्योंकि सेकंड कमेटी ही था ना जो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन करता था ना, तो इन सब का जिम्मेदारी किसको था? कौन सा कमेटी को? सेकंड कमेटी। यहां तक कोई दिक्कत? हम रुक जा रहे हैं, देखो बेटा, देखो कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम है तो। अरे मेरे पास तो वेबएक्स है, सब लोग देख लिए बेटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है?
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे बढ़ जाते हैं। तब देखो सबसे पहले बेटा आएंगे हम लोग रॉक एडिक्ट्स पे, ठीक है आ जाओ। अरे देखो रॉक एडिक्ट था, जितना ही पिलर था अशोकन पिलर्स, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लिए इंफॉर्मेशन का, ठीक है ना। ये कैसा होता था तुम लोग को दिखाता है। देखो दिख रहा है सबको, ठीक है। देखो ऐसा होता था पिलर, ठीक है, और पिलर पे इस तरीके से एडिक्ट लिखा हुआ था, ठीक है ना। पिलर है उस पे इस तरह से एडिक्ट को लिखा हुआ है, ठीक। और ये कौन सा लैंग्वेज है, प्रकृत लैंग्वेज है, प्रकृत का पाली भी है, प्रकृत लैंग्वेज है जिसका कौन सा स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, ठीक है। ये है अशोकन पिलर, ठीक, अशोका के सिंबल के साथ अशोकन पिलर, इसी में अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। चूंकि बेटा ये एक आर्कोलॉजिकल सोर्स है ना, पिलर है ना स्टोन का बना हुआ, तो ऐसे ये किस सोर्स में आना चाहिए, आर्कोलॉजिकल सोर्स में आना चाहिए। ऑब्जेक्ट है ना, आर्टिक्राफ्ट है ना, तो आर्कोलॉजिकल सोर्स में आना चाहिए। लेकिन इसमें लिखा हुआ भी है तो ये किस में आ जाता है, लिटरेरी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। अरे देखो देखो अशोक का धम्म, ठीक है, ध्यान से देखना, धम्म महामता, देख पा रहे हो तुम लोग, धम्म महामता, ये एक पोस्ट है, ये एक स्पेशल ऑफिसर होता था, ठीक है, जिसका अपॉइंटमेंट केवल इसी पर्पस से होता था कि वो चेक करे कि वेदर और नॉट जो धम्म अशोक प्रिस्क्राइब किया है उसको लोग फॉलो कर रहा है। आरसीबी भी गया ना, अरे बेटा इतना दिल को अच्छा लगा ना, इतना दिल को अच्छा लगा, क्या नहीं, मेरा पैसा गया ना बेटा, दिल को बहुत तकलीफ हो रहा था, आरसीबी गया तो अच्छा लग रहा है मेरे को। देखो तो धम्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है, वो एक सोच है, वो एक विचार है, ठीक है। धम्म वो प्रिंसिपल है, वो रूल रेगुलेशन है, नियम कानून है जो अशोक सेटअप किया था। बहुत ही सिंपल रूल रेगुलेशन था अशोक के धम्मा में। एक था तुम्हारा बड़े बुजुर्गों का सेवा करना, रेस्पेक्टिव एल्डर्स, पड़ोसी का, नेबर का, ये करना, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल रूल रेगुलेशन अशोक रखा था, और एक कह सकते हो मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल था, हर जगह अप्लाई हो सकता था, ठीक है। और अशोक ये देखने के लिए कि उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करता था। उस स्पेशल ऑफिसर का पोस्ट क्या था, धम्म महामता, क्या नाम था, धम्म महामता, ठीक है। तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ धम्म महामता, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ जाए। देखो हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद करो तुम लोगों को हम बताए थे कि एक समय इंडिया का मतलब ब्रिटिश के पास, इंडिया के पास का मैक्सिमम नॉलेज मौर्य तक था, है ना। तो मौर्य डिस्कवर होने से पहले इंडिया का मैक्सिमम नॉलेज उनका वो गुप्त एम्पायर तक ही था, थोड़ा बहुत हर्षवर्धन तक था, उससे ज्यादा ये लोग नहीं जानते। ये लोग जानते था कि बुद्धिस्ट रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा कोई राजा रहा होगा इसका इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। महाजनपद का और मौर्य डायनेस्टी का इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। उस समय इंडिया 19th सेंचुरी में, 1830s में
1830s में इंडिया कॉलोनियल रूल में था और ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में इंडियन हिस्टोरियन ये पॉसिबिलिटी पाए कि इंडिया का जो ऐसा कोई एम्पायर रहा था जो कि इंडिया को बहुत ही एक कह सकते हो कि 2000 इयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन का पार्ट बनाता है, ठीक है। और इनके लिए ये चीज़ बहुत ही एक्साइटिंग था, चैलेंजिंग था। बहुत सारा आर्कोलॉजिकल फाइंड्स जो है जिसको मौर्य से एसोसिएट किया गया, जैसे स्टोन का स्कल्पचर्स हो गया, है ना, बहुत सारा आर्ट हो गया, ठीक। और बाद में यही हिस्टोरियन जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन पे जो मैसेज मिला उसको बहुत ही डिफरेंट पाए बाकी रूलर से। क्यों, अब समझाते हैं। अशोक का जितना भी पिलर मिलेगा उन सब में अशोक अधिकतर में धम्म का बात किया है, ठीक है। दैट मीन्स ये कलिंग विक्ट्री के बाद का पिलर से, ठीक है। अब समझो, अब यहाँ पर अशोक जितना भी धम्म का बात किया है तो ये उसको बाकी रूलर से डिफरेंट बनाया। अशोक का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो कांदहार से लेकर के उड़ीसा तक था, विच वॉज द लार्जेस्ट एक्सपेंड ऑफ एनी इंडियन एम्परर, पहला बात। एक दूसरा ये था कि ये बोस्टिंग नहीं करता था। जितना भी गुप्त एम्पायर के रूलर्स मिलेंगे या बाद के रूलर्स मिलेंगे वो खुद को खूब बोस्ट किए हैं। बोस्ट समझते हो ना, बड़ाई करना। बोस्ट मतलब खुद का बड़ाई करना। ऐसे मान लो बेटा, अगर कुछ नहीं हो, हम ऐसे चलते चलते बोलेंगे हम बहुत स्मार्ट लगते देखने में, कोई मानोगे? बेटा बहुत कस के ना बोले हो, इतना कस के ना नहीं बोलना था, ठीक है। देखो तो यही होता, अशोक जो है इतना मुंह मियां मिट्ठू अपना बड़ाई नहीं किया। अशोक सिंपली बोला कि ये धम्म है, धम्म को फॉलो करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस बताया, पीस का बात किया अपना एक्सपेंशन के साथ साथ। तो ये उसको एक काइंड रूलर बनाता था। बाद में जितना भी स्टोरीज है वो अशोक को बहुत ही नेगेटिव लाइट में भी पोर्ट्रे करता है, खासकर कलिंगा वॉर। लेकिन जो उसका इंस्क्रिप्शन है उससे ये पता चलता था कि एक बहुत ही पावरफुल और इंडस्ट्रियल रूलर है और वो हम्बल भी है। हम्बल मतलब घमंडी नहीं होना, हम्बल होना। हम्बल मतलब जो अपना बड़ाई ज्यादा नहीं करना। ये कैसे पता चलता है कि वो अशोक हम्बल था? अशोक अपने आप को बड़ा बड़ा ग्रैंडोज टाइटल, बड़ा बड़ा टाइटल नहीं दिया। जैसे तुम गुप्ता एम्पायर में आओगे तो महाराजा धीराज, चक्रवर्तीन सम्राट, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा अपने आप को टाइटल दिया है। ऐसा कोई भी टाइटल अशोक अपने आप को नहीं दिया था। तो इससे क्या पता चलता है, अशोक अपना बड़ाई करता था या नहीं करता था? समझ में आ रहा है ना? जैसे तुम ही बेटा मान लो IPS बन गए तो अपने नाम क्या नाम बेटा? दीपाली। तुम लिखी कि श्री श्री 108 IPS UPSC फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, करोड़पति, है ना, ठीक है, दीपाली। तो बेटा जब तुम इतना बड़ा नाम रखी, इससे क्या पता चला कि तुम्हारे में ईगो है या नहीं है? है। यही बेटा अगर विराट कोहली अपना नाम रखा श्री श्री 108, 16 बार भी नहीं जीते, कोई काम के नहीं विराट कोहली, ठीक है। तो अब तुम बोलो बेटा, तो क्या विराट कोहली पे टाइटल सूट करेगा? नहीं सूट करेगा ना। चलो देखो, बड़ा बड़ा टाइटल खुद को नहीं दिया था अशोक, इसीलिए माना जाता था कि ये हम्बल था और उसका जितना भी एक्सपेंशन था, उसका जितना भी इंस्क्रिप्शन था, पिलर था, वो ये सजेस्ट करता था कि उसका बहुत बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, बहुत बड़े एरिया को कवर किया हुआ था, इसीलिए वो पावरफुल भी था और इंडस्ट्रियस भी था। कोई दिक्कत? बाद के जो नेशनलिस्ट लीडर आए ना हमारे, वो सारे के सारे जो है अशोक को एक इंस्पायरिंग फिगर के रूप में माने। और अशोक का जो वो जो ये है, अच्छा पता कि नहीं, सत्यमेव जयते ये भी अशोक से ही लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है, ये जो कोट है सत्यमेव जयते, ये अशोक से लिया गया। ये मौर्यन कोट है, अशोक का कोट है सत्यमेव जयते, दैट ट्रूथ ऑलवेज विंस। ये अशोक का कोट है ये, ठीक है। अशोक का 4 वो तो तुमको पता ही है, लायन वाला, है ना, एक साइड से देखो 3 लाइन दिखेगा। चलो इसको देखो बेटा, कोई दिक्कत तो पूछो।
हो गया। एक बार इसको थॉरली देखो बेटा, कहीं भी कुछ भी दिक्कत है तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। तुम भी आरसीबी का फैन है क्या? बुरा लग, अच्छा इसीलिए देख रहे हैं, दिल में चोट लग गया? चोट नहीं लगा ना, अब क्या करोगे चोट लगा के? जो होना था सो हो गया। 16 साल से चोट खाए वो भरा क्या आज तक? ये पीछे से गाड़ी लेके आएगा, ठोकते हो निकल जाए, बोलेगा चोट भरा, चोट भरा आपका चोट। अरे कोई बात नहीं बेटा, जाने दो, क्या होता है, किस्मत का खेल है ना, चला चला गया, क्या करोगे। लेकिन दिल जीता बेटा, आरसीबी दिल जीता, मजाक नहीं कर रहे, दिल गुर्दा फेफड़ा आरसीबी सब जीता। चलो आगे बढ़ जाए, अब कोई दिक्कत नहीं बेटा, कि तुमको कुछ दिक्कत है पूछो। चलो टॉपिक नंबर 4 पे आते हैं। अच्छा अब इस ये वाला जो है, इस पॉइंट को पढ़ना, इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? हाँ, फ्यूडल सिस्टम आ जाओ, ये बहुत जरूरी है। हम तुम लोगों को फ्यूडल सिस्टम ऑलरेडी बता चुके हैं ना? हाँ नहीं, 11th में पढ़ो, यहाँ नहीं बताया फ्यूडल, एक फ्यूडल सिस्टम बताया था, यहाँ तक याद आ रहा है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब फ्यूडल सिस्टम बताते हैं। इंडिया में भी था इसको ना, इंडिया में सामंतवाद बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? सामंतवाद। इसको व्हाइट बोर्ड चाहिए अपने को, हाँ यहाँ ठीक है, आ जाओ देखो। एक काम करते हैं, इसको ना मैप से समझाते हैं। देखो मैप ऑफ इंडिया नहीं आया जी, चलो ड्यूरिंग अशोका ही देख लिए। देखो बेटा, फ्यूडल सिस्टम समझना। जैसे बेटा मान लो ये वाला जो है ना, ये मगध का एरिया है, ठीक है? ये मगध का एरिया। अब फ्यूडल सिस्टम इसमें कैसे वर्क करता है? ओए सॉरी बेटा, मेरा वाला बज रहा था, कभी कभी हो जाता है बेटा, कभी कभी हो जाता है। एक्चुअली हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना, टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको ओपन करके छोड़ दियो, अपना बोल रहे हैं अपना कपड़ा, बाद में क्वेश्चन पूछती है तो वो इंटरनेट में मिल जाता। पिछला बार हमको अवार्ड मिला था, सर्टिफिकेट, बेस्ट टीचर, बेस्ट स्टूडेंट एज अ, बेस्ट टीचर एज अ स्टूडेंट, तो जो पूरा क्लास करता है, पूरा आंसर देता है, उसको पता ही नहीं है कि YouTube से देख देख के मार्क कर दे रहे। चलो अब देखो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, बोलेंगे इसको ये हटा देने के लिए, कहीं आ गया दिक्कत हो जाएगा। देखो अभी क्या बेटा, ये एक एरिया है, जस्ट इमेजिन करो, अरे ये ऐसे क्यों काम कर रहा है?
अब आराम से देखना बेटा, ये मगध है मान लो, अब ये एक पूरा एरिया है ठीक, और इतने एरिया में हम लोग लेके चलते हैं कि इतने एरिया में टोटल 52 विलेज होगा, और टोटल पॉपुलेशन अगर 100 भी रखा जाए तो 6000 टोटल पॉपुलेशन होगा ठीक है। मान लो ये इतना सा एरिया, इतने से एरिया में 52 विलेज है और 6000 पॉपुलेशन है ठीक है। आप समझो जनरली ना बेटा, किसी भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में पावर जो है वो तीन तरह का होता है, कौन कौन? लेजिस्लेटिव, फिर बेटा एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशियरी, और कहीं कहीं पे होता है बेटा टैक्स कलेक्शन का पावर, और कहीं कहीं पे होता है बेटा आर्मी मेंटेन करने का पावर। अब आराम समझना, लेजिस्लेटिव पावर टू मेक लॉ, लॉ बनाने का पावर, एग्जीक्यूटिव उसको क्या करने का, हाँ इम्प्लीमेंट करने का पावर ठीक है, जुडिशरी क्या देने का, जजमेंट करने का पावर, यानी जो कोर्ट है, ये कोर्ट हुआ, ये हुआ विधानसभा या लोकसभा, ये हुआ पुलिस ठीक है, अब मान लो एक तरह से एग्जीक्यूटिव पार्टी है, और ये हुआ जुडिशरी यानी कोर्ट ठीक है। एक लॉ बनाता है, एक उसको फॉलो करवाता है, और एक जजमेंट देता है, और एक डिपार्टमेंट होता है टैक्स कलेक्ट करने का, और एक डिपार्टमेंट क्या होता है आर्मी का ठीक है। हमारे में ये सब बटा हुआ है फ्यूडल सिस्टम में, फ्यूडल सिस्टम जिसको हमारे में एक और नाम बोला जाता था सामंतवाद, सामंतवाद यानी कि एक जमींदारी वाला, जिसको तुम एक तरह से बोल सकते हो। तो इतने पूरे एरिया के लिए, इतने पूरे एरिया के लिए जिसमें कि 52 विलेज है और 6000 पॉपुलेशन है, इतने पूरे एरिया के लिए एक आदमी, एक पर्सन, एक आदमी लॉ बनाएगा भी, उसको फॉलो भी करवाएगा, वही आदमी जजमेंट भी देगा, झंझट होगा कुछ भी झगड़ा होगा तो वही आदमी जजमेंट भी देगा, वही आदमी टैक्स भी कलेक्ट करेगा, वही आदमी आर्मी भी मेंटेन करेगा, वो एक आदमी, वही एक आदमी विधानसभा है, वही पुलिस है, वही जज है, वही टैक्स कलेक्ट करता है, वही आर्मी को मेंटेन रखता है। इस एक पर्सन को इंग्लिश में बोलते थे फ्यूडल लॉर्ड, और इस फ्यूडल लॉर्ड का हर जगह पे अलग अलग टाइटल रहा है ठीक है। हमारे इंडिया में इसको सरदार भी बोला गया है, महाराष्ट्र के एरिया में, राजस्थान के एरिया में राणा भी बोला गया है, उत्तर के एरिया में इसी को राजा भी बोला जाता था या चीफ भी बोला जाता था ठीक है ना, कोई दिक्कत ठीक है। या फिर एक और नाम जो कि गुप्ता पीरियड में और मौर्य पीरियड में इनका बाद में हुआ था, इनका नाम वो था सामंत। क्या नाम था बेटा? सामंत। क्या था टाइटल? सामंत। सामंत एक तरह से लैंडलॉर्ड थे। क्या थे बेटा? लैंडलॉर्ड, लेकिन छोटे मोटे लैंड नहीं, कट्ठा दो कट्ठा जमीन नहीं, एकदम गांव के गांव उनके अंडर में आते थे, और जितना भी एरिया उनके कंट्रोल में आता था सामंत के कंट्रोल में, उस एरिया में लेजिस्लेटिव भी वही थे, एग्जीक्यूटिव भी वही थे, जुडिशरी भी वही थे, वही टैक्स कलेक्ट करते थे, और वही आर्मी मेंटेन करते थे। तुम जस्ट इमेजिन करो कितना पावर उनके पास होता था। अब तुमको पता है गुप्त एम्पायर के ऐसे ही जो पहले संस्थापक थे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त भी सामंत थे, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त, उनके बाद आया उनका बेटा चंद्रगुप्त वन ठीक है। चंद्रगुप्त वन ही लिच्छी छावी प्रिंसेस से शादी किए, और एक एक करके अपने आसपास के सारे सामंत को हरा करके एक पूरा एम्पायर खड़ा किए थे। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, एम्पायर ऐसे ही खड़ा होता था, एक के बाद एक सामंत को, सबको, छोटा मोटा राजा को हरा करके पूरा अपने अंडर। कोई दिक्कत समझ में आया ना? चीफ किसको बोलते थे? फ्यूडल लॉर्ड को, यानी हिंदी में क्या बोला गया? सामंत। उसी को क्या बोलते थे बेटा? चीफ। छोटा छोटा चीफ किसके अंडर में होता था? राजा के, इम्परर के। छोटा छोटा चीफ किसके अंडर में होता था? एम्परर। क्लियर है? इसको एक मिनट देखो, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछो बेटा। चीफ वाला सिस्टम समझने में कोई दिक्कत है तो पूछो।
हैप्पी महावीर जयंती सभी को, जय श्री राम। हो गया बेटा, आगे बढ़ जाए। चलो, ये पूरा सिस्टम समझ में आया ना? कोई दिक्कत बेटा? तुम अभी भी दुखी है आरसीबी को लेकर के, बोलो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगला बार जीतेगा। अगला साल साला कप नाम दू, है कि नहीं? एक बात पे हम मजाक नहीं कर रहे, आरसीबी हमको ही पसंद है, लड़की वाला, है कि नहीं? मंदाना, स्मृति मंदाना को नहीं जानते हो? स्मृति मंदाना को नहीं जानते हो? पेरी को, वही आरसीबी को तो पसंद करना चाहिए, है कि नहीं? देखो, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ, साउथ में मेन तीन चीफडम्स था, चोला, चेरा और पांड्या। ऐसे चोला नहीं था, चोल था, चोल वंश था, चोल डायनेस्टी, ठीक है? और जिस एरिया में वो लोग रहता था या उस जिस एरिया में लैंड था, लैंड ओनर थे वो लोग, उस एरिया को बोलते हैं तमिलकम। तमिलकम एंशियंट तमिल कंट्री है जिसमें मॉडर्न डे तीन स्टेट आ जाता है, आंध्र प्रदेश और केरला का कुछ पार्ट और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, केरला का कुछ पार्ट और तमिलनाडु, ठीक है? चीफ एक पावरफुल पर्सन था जिसका पोजीशन या मे और मे नॉट बी हेरिडेटरी, लेकिन बाद में हेरिडेटरी हो ही गया था। ये हेरिडेटरी क्या होता है? हेरिडेटरी मतलब That which is passed from father to son, जो पिता से पुत्र को पास ऑन हो, पिता से पुत्र को। अब तो पुत्री भी हेरिडेटरी में हो गया, पहले पुत्री को कुछ नहीं मिलता था, है कि नहीं? पुत्री को पहले कुछ भी नहीं मिलता था, नथिंग, कुछ भी नहीं। हाँ नहीं, अब मिलता है। अच्छा, हो सकता है तुम नहीं दे रहे हो, लेकिन अब अभी भी मिलता है, होता है। क्या क्या नहीं, बोलो बोलो बोलो, अभी कुछ कुछ को पुत्र को। हाँ सही बात बोले, बहुत बहुत सही बात बोले बेटा, मजाक नहीं कर रहे हैं। मेरा जितना ही पैतृक संपत्ति है उसमें से बेटा अढ़ाई बीघा गया दीदी के पास, समझ गए? छोटी बहन को कुछ मिला और बेटा हम बताते हैं और सब में बटा, और बेटा हमको मिला इतना जमीन, दिख रहे हो? इतना जमीन, इतना ही जमीन मिला था, वो भी सबके घर के बीच में इतना जमीन मिला था, और एक गाय मिली थी जो अगले दिन भाग गई, ठीक है? हम बोले थे कि इतना जमीन जो है वो भी आप रख लीजिए, उसके जगह पे मेरे को, हम बाइक मांगे थे, मेरे को एक बाइक दे दीजिए, मेरे को काम देगा वो बाइक। हम क्या सोच के रखे थे बेटा कि बाइक चला के गांव से घर वापस जाएंगे, रोड ट्रैवल है ना, हैशटैग रोड ट्रैवल, ठीक है? मम्मी इतना मारी ना मेरे को उस दिन, पूरा बाइक का भूत उतार दिए एकदम, क्या बोले? हाँ बेटा ठीक है, सीएसके वाले हो इसीलिए, नहीं तो चलो देखो। नहीं, कहने का मेरा मतलब कि होता है, आजकल गर्ल्स को मिलता है, बहुत ज्यादा ही मिलता है, इतना भी नहीं होना चाहिए। चलो तो लोग, एक छोटा सा हम स्टोरी सुनाते। देखो, मेरा एक दोस्त था ईशु चौहान, अभी भी है। तो ईशु चौहान ना फेमिनिस्ट था, फेमिनिस्ट समझते हो बेटा? फेमिनिस्ट जो वुमेन का पावर का सपोर्टर होता है ना, कि वुमेन को इक्वल राइट, अब ज्यादा राइट मिलना चाहिए था, फेमिनिस्ट था। हम थोड़ा बहुत, हमको ना वंडर वुमेन मूवी नहीं पसंद आया था, फीमेल सेंट्रिक था, फीमेल हीरोइन थी, हमको अजीब लगा कि हम उससे ना वो नहीं कर पाए, एक कहते ना कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है? तो हम बोले कि नहीं पसंद है ये वो, तो वो हमको बोल दिया कि यू आर अ चुआनिस्ट मेल, यू आर अ मासोसिस्ट, क्या क्या बोला, ठीक है हमको। तो अब क्या हुआ सुनो, उसको एक लड़की का नंबर उसका फ्रेंड दिया, बोला कि वो मेरी फ्रेंड है, बीमार है, उसको जाके तुम ये दवाई पहुंचाओ। वो हॉस्टल में रहती है, बोर्डिंग रोड में। वो उसको कॉल किया, उसको गया उसके हॉस्टल के नीचे में, उसको दवाई पहुंचा दिया, नंबर तो मिल गया था। एक बार और पूछा कि तबीयत कैसा है, सब ठीक है?
फिर दो तीन दिन बाद उसको कॉल किया, बोला कि चलो आज ऐसे ही मिलोगी। उसको जानता तक नहीं है, ठीक है, एकदम बस एक दो बार मिला है, बस दवाई पहुंचाया है। तो वो बोली नहीं। फिर बोली कि क्यों क्यों मिलना है तुमको हमसे? तो ऐसे ही हैंग आउट करते हैं, चिल आउट करते हैं, ठीक है। मेरे सामने बोल रहा है, अरे तो तुमसे क्यों चिल आउट करेगी, हैंग आउट करेगी भाई, तेरे को दो दिन हुआ जाने में। तो वो बोली अच्छा बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे। बोल कर शाम में उसको कॉल की और पूरा झाड़ दी, बोले कि तुमसे अभी जान पहचान ही क्या हुआ, तुम्हारे साथ हैंग आउट चिल आउट क्यों करेंगे, नहीं करना है हमको, रखो फोन। वो मेरे को फोन किया, हाँ वो मेरे को फोन किया और फोन करके बोला, हम बोले क्या हुआ भाई, बोले कि भाई लड़की लोग सही नहीं होती, नाना जी सही कहते थे, और सुनो उसका बात नेक्स्ट बात, नाना जी सही कहते हैं औरत का असली जगह पैर का चूती है, ठीक है। हम बोले ऐसा क्या बोल रहा है, पागल है क्या, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोले नहीं नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हमने तुम्हारा फेमिनिज्म कहाँ गया? तो बोले कोई फेमिनिज्म नहीं होता है, कोई फेमिनिस्ट कुछ नहीं होता है, सबके सब ऐसी होती है। हम ये सब रिकॉर्ड करके उसके मम्मी को सुना दिए, जो बेटा मार खाया था ना, जो मार खाया था ना, इतना दिल को सुकून पहुंचा बेटा, क्या बोले। अरे तेरे को हर चीज का वीडियो चाहिए क्या? अच्छा अच्छा ठीक ठीक, तो मेरे क्लास के बाद मिलना, मेरे पास है वीडियो, ठीक। अब देखो बेटा, तुम लोगों को बताते हैं, इस समय के लोग फेमिनिस्ट नहीं थे, जरा सा भी वुमेन इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते। इस समय के अधिकतर लोग किसके तरह थे? यीशु चौहान के तरह, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत समझने में? हम नहीं ऐसा मानते हैं, ऐसा यीशु मानता है, समझी बेटा, है कि नहीं? ऐसे तो पूरा दुश्मन बना लिया हम जी, वो आरसीबी के कारण, ये आरसीबी के कारण, ये वो महिला मुक्ति मोर्चा के कारण, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हेरिडेटरी में किसी को कोई दिक्कत? हेरिडेटरी में किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो ऐसे लोगों को, चीफ को जनरली अपने ही दूर दराज के रिलेशन से सपोर्ट मिलता था। वो लोग स्पेशल रिचुअल करते थे, वॉर में लीडरशिप करते थे और आर्बिटेरिंग डिस्प्यूट, इसका मतलब झगड़ा सुलझाते थे। आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट, आर्बिट्रेट डिस्प्यूट करना मतलब झगड़ा सुलझाना, ठीक है। जैसे मान लो बेटा कि तुम आईपीएल नहीं देखते ना बेटा, आईपीएल क्रिकेट, अच्छा कोई बात नहीं। मान लो कि सीएसके, जैसे आईपीएल हम बता दिए, सीएसके चेन्नई सुपर किंग बेस्ट टीम है, क्या है बेटा, कौन सा है बेस्ट टीम? हाँ आरसीबी, अच्छा चलो ठीक है, चेन्नई सुपर किंग कौन सा बेस्ट टीम है बेटा, और सबसे खराब टीम कौन है? आरसीबी, ठीक। हाँ देखो, अब जैसे ही ये बात बोली, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया एकदम। अब इन दोनों के झगड़ा को राहुल सर सुलझाए, तो राहुल सर क्या कर रहे हैं, आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, ठीक है, आर्बिट्रेट डिस्प्यूट मतलब झगड़ा को सुलझाना, झगड़ा को सुलझाना, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। आगे बढ़े, या अच्छा ये ना टैक्स भी कलेक्ट करता था, ठीक है, और कभी कभी टैक्स को अपने सपोर्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था। जनरली इनके पास रेगुलर आर्मी नहीं था, लेकिन किसी किसी के पास रेगुलर आर्मी भी था। देख लो बेटा, कुछ दिक्कत है तो पूछो मेरे से। कोई दिक्कत नहीं? हाँ क्या बेटा, चीफ क्या, क्या बोलो,